हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम बैटरी का ईएमएफ क्या है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो देखो, ये बैटरी क्या होता है, जनरली जो बैटरी होते हैं उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं। ये जो दो वर्टिकल लाइंस, एक जो लाइन है वो क्या है, आई मीन एक प्लेट है जिसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये जो लोअर पोटेंशियल पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लो टर्मिनल बोलते हैं, आई मीन जो छोटा जो लाइन है, और जो बड़ा जो लाइन है वो क्या होता है, हायर पोटेंशियल पे होता है, या लोअर टर्मिनल, और इसी को क्या बोलते हैं, हायर पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल, ऐसे हम बोल सकते हैं, एंड इसको लोअर पोटेंशियल बोलेंगे, लोअर पोटेंशियल और इसको हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल और इसको हायर पोटेंशियल, और इसको क्या बोलते हैं, और लो टर्मिनल और इसको हम क्या बोलेंगे, और में हम यदि बोलें तो क्या बोलेंगे, हायर टर्मिनल। तो बेसिकली बैटरी का काम क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज को क्या है, अंदर से लो पोटेंशियल पे क्या करना, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ले जाना, है ना। बैटरी का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, इनसाइड द बैटरी इट्स मूव द चार्ज या इट्स पुश द चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल या लो टर्मिनल टू हायर टर्मिनल। जैसे ही यहाँ से यहाँ बैटरी चार्ज को यहाँ पुशअप कर देगा तो क्या होता है, एनर्जी चार्ज क्या करता है, गेन करता है, है ना, क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, और उसके बाद आसानी से क्या है, सर्किट में क्या होगा, वो मूव कर जाएगा। तो जब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे इनसाइड द बैटरी, जो बैटरी किसी चार्ज को मूव करने के लिए जो काम करता है, दैट पर यूनिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द बैटरी। क्या होगा, द वर्क डन बाय द बैटरी इन मूविंग द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल या लो टर्मिनल टू हाई टर्मिनल इनसाइड द बैटरी इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन व्हाइल मूविंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, आई मीन लो टर्मिनल टू हायर टर्मिनल डिवाइडेड बाय पॉजिटिव चार्ज। ये ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होता है, ये मिसलीडिंग टर्म है ना। तो एक होता है नहीं, कोई चीज यदि गलत भी एक किसी ने इन्वेंट कर दिया है तो उसी चीज को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो वही है यहाँ की, क्या है, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन फोर्स नहीं है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, आपको ये मालूम है, जूल अपॉन क्या होगा, कूलम, और इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं एस आई यूनिट ऑफ क्या होगा, ईएमएफ इज क्या होगा, वोल्ट्स, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट हम इसमें, हाँ, उसके बाद आपको जनरली क्या है, देखो ई से डिनोट भी करते हैं, वी से भी डिनोट करते हैं हम लोग। तो जनरली, इन जनरल ईएमएफ इज डिनोटेड एज क्या होगा, ई इन जनरल, और वी से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम ई यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि फॉर आइडियल बैटरी, फॉर क्या होगा, फॉर आइडियल बैटरी क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो। यदि बैटरी आइडियल होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। फॉर नॉन आइडियल बैटरी क्या होगा, फॉर नॉन आइडियल बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो नहीं होता है। क्या होता है, नॉन आइडियल यदि बैटरी दिया हुआ है तो उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे फॉर नॉन आइडियल बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट जीरो, ठीक है, जीरो नहीं होगा, है ना।
ये ध्यान देना है। अब देखो क्या होगा, अब बैटरी क्या होगा, बैटरी को बेसिकली क्या है, बैटरी विथ, देखो ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट क्या है बी, और दिस इज ईएमएफ ऑफ द बैटरी, एंड इसको क्या बोलते हैं आर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द क्या होगा, ऑफ द बैटरी, ठीक है, और दिस इज नथिंग बट द ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ द, ईएमएफ ऑफ द क्या होगा, बैटरी, ठीक है, ये क्या होगा लो टर्मिनल और ये क्या होगा हाई टर्मिनल। तो कोई भी बैटरी दिया होता है, यदि नॉन आइडियल, ये क्या है नॉन आइडियल बैटरी है, दिस इज नथिंग बट द नॉन आइडियल बैटरी, नॉन आइडियल यहां लिख देता हूं, नॉन आइडियल, और यदि आइडियल बैटरी होगा तो सिंपल क्या होगा, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो जीरो होगा, ये क्या है, दिस इज EMF इक्वल टू क्या है E है, ये यहाँ क्या हो गया, तो दिस इज आइडियल बैटरी, आइडियल क्या हो गया बैटरी हो गया जिसका EMF E दिया हुआ है। तो नॉन आइडियल में क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा, आइडियल में क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस हम क्या मानते हैं जीरो मानते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो मानते हैं। अब इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है उसके बारे में मैं हम लोग देख लेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से, क्या चीज़ से डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, कैपिटल आर से नहीं, क्या चीज़ से डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ ए बैटरी डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन सेपरेशन बिटवीन द क्या होगा इलेक्ट्रोड्स दैट इज क्या होगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा डी, डी क्या है सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, बी जो होगा वो क्या होगा, बी जो होगा उसमें क्या होगा एरिया, एरिया ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रोड्स दैट इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा ए, ठीक है, सी जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ठीक है, आई मीन क्या होगा सी, तो ये क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन के क्या होता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है सी होता है, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा रेसिस्टेंस होगा। और डी जो होता है वो क्या होता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है टेम्परेचर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी जो होगा डिपेंड ऑन द क्या होगा टेम्परेचर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी जो होगा वो क्या होगा टेम्परेचर पे क्या होगा डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फोर फैक्टर जो है उस पर क्या होता है किसी भी इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या है बैटरी डिपेंड। अब हम आते हैं क्या इसमें हम पढ़ते हैं कि अब देखो क्या होता है बैटरी जो होगा वो दो तरह से बिहेव करेगा, एक तो क्या हो सकता है चार्ज होगा और एक क्या होगा डिस्चार्ज होगा, आई मीन एक क्या होगा सोर्स की तरह बिहेव करेगा और दूसरे कंडीशन में क्या होगा सिंक की तरह भी क्या होगा बिहेव करेगा। तो हम यहाँ ये भी पढ़ सकते हैं कि बैटरी बिहेव लाइक ए सोर्स और क्या होगा और सिंक, ठीक है। जैसे देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ तुम कि बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसका ईएमएफ मान लो ही है, यहाँ करंट क्या है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या हो रहा है इंटर कर रहा है, क्या हो रहा है
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या है, इंटर कर रहा है। तो यहाँ करंट ऐसे फ्लो होगा, देखो ऐसे, तो यहाँ क्या होगा, सिंक की तरह काम कर रहा है, यहाँ सिंक, और हम क्या बोलते हैं, बैटरी चार्जिंग, ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बैटरी इज चार्जिंग। दूसरा जो होगा यहाँ देखो, इस केस में ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगेन ई इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ जो करंट है, देखो यहाँ करंट क्या है, हायर टर्मिनल पे क्या है, सिंक हो रहा है और ऐसे जा रहा है, यहाँ क्या होगा, हायर टर्मिनल से बाहर जा रहा है, ऐसे आ रहा है। तो यहाँ क्या है, बैटरी जो है वो क्या है, सोर्स की तरह बिहेव करेगा, सोर्स और क्या है, डिस्चार्जिंग। यहाँ बैटरी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है और सिंक की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ क्या है, डिस्चार्ज हो रहा है और क्या चीज की तरह बिहेव कर रहा है, सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो बैटरी बिहेव लाइक ए सोर्स और सिंक डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन और सिचुएशन। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल वोल्टेज, ये इंपॉर्टेंट है, भी पूछा जाता है। तो टर्मिनल टर्मिनल वोल्टेज इसको हम वी से, अब देखो क्या होगा, यहां सिंपल मैं सर्किट ड्रॉ कर दी, ए पॉइंट ए हुआ और दिस इज क्या होगा पॉइंट बी। तो वी ए टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा, वी ए माइनस क्या होगा, वी बी। क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज विल बी इक्वल टू क्या होगा, वी ए माइनस क्या हो जाएगा, वी बी। क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, है ना, ये बैटरी का ई एम एफ है और ये क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या हो सकता है, ईएमएफ से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो हम यहां लिख सकते हैं टर्मिनल टर्मिनल वोल्टेज में भी क्या होगा, में बी ए में क्या होगा, स्मॉलर स्मॉलर देन ईएमएफ, बी में क्या होगा, ग्रेटर देन ईएमएफ आई मीन ई, और क्या होगा, सी जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलर देन ईएमएफ, ग्रेटर देन ईएमएफ, और क्या होगा, इक्वल टू ईएमएफ, इक्वल टू ईएमएफ, ठीक है, आई मीन इक्वल टू क्या होगा, ये तीन सिचुएशन हो सकता है, ये डिपेंडिंग ऑन द तीन वैल्यू हो सकता है, ठीक है, क्या होगा, तीन वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब देखो क्या होगा, कब क्या होगा ये हम देखते हैं। तो पहले क्या होगा, बैटरी जो है वो क्या है, सोर्स की तरह। अब देखो क्या है, व्हेन, यहां लिख देते हैं व्हेन बैटरी बैटरी बिहेव लाइक, ये क्या होगा, सोर्स, सोर्स की तरह बिहेव करेगा। देखो ध्यान से, आई मीन बैटरी, इसका ईएमएफ क्या है, ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर, यही पॉइंट ए है और एक है पॉइंट बी। सोर्स का मतलब क्या हुआ, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ पी मान लेता हूँ। यदि मैं लिखूँ, देखो तो वी ए माइनस वी पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं यार, वी ए माइनस वी पी इक्वल टू ई, और वी पी माइनस वी बी इक्वल टू, देखो ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे, तो क्या लिखेंगे, माइनस हायर, ऐड कर दो यार, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या होगा, ई माइनस क्या होगा, आई। तो देखो इस केस में क्या है, टर्मिनल वोल्टेज जो है, टर्मिनल वोल्टेज आई मीन वी जो है वो क्या है, ई माइनस आई आर है, आई मीन ई एम एफ ऑफ द बैटरी से क्या है, छोटा है। तो व्हेन द बैटरी बिहेव लाइक ए क्या होगा, सोर्स, क्या होगा, व्हेन बैटरी बिहेव लाइक ए सोर्स देन ईएमएफ ऑफ द आई मीन देन टर्मिनल वोल्टेज
will be क्या होगा smaller than EMF of the battery. क्या होगा when battery we have like a source then terminal voltage of the battery will be smaller than its EMF. क्या होगा इसके EMF से क्या होगा छोटा होगा. तो यहाँ जो मिला आपने को क्या होगा VB, I mean बोल सकते हैं कि VB is greater, V is less than क्या है yeah. उसके बाद दूसरे केस में क्या होगा दूसरे केस में यदि हम देखें कि when क्या होगा when battery behave like ये क्या होगा sink. देखो तो यही क्या है बैटरी और इसका इंटरनल सेंसर है ईएमएफ क्या दिया हुआ है. अब यहाँ ये किस तरह बिहेव कर रहा है बैटरी इज बिहेविंग लाइक सिंक. आई मीन ये आई दिस इज आई है ना. तो यहाँ देखो अगेन इसको पी मान लें तो हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी पी इज इक्वल टू ई अगेन वी पी माइनस वी बी इक्वल टू आई आर. ये कैंसिल हो गया तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई प्लस क्या हो जाएगा आई आर. यहाँ देखो ध्यान से टर्मिनल वोल्टेज जो है वो क्या है यहाँ टर्मिनल वोल्टेज जो है वो क्या है ई एम एफ ऑफ द बैटरी से क्या है ज़्यादा है. क्या होगा ई एम एफ ऑफ द बैटरी से क्या है क्या होगा ई एम एफ ऑफ द बैटरी से क्या होगा ज़्यादा होगा. तो यहाँ लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू ई प्लस क्या होगा आई आर आई मीन वी इज ग्रेटर देन क्या होगा. थर्ड में क्या है कि व्हेन देयर इज नो करंट इन द बैटरी फ्लोइंग थ्रू द बैटरी. तो थर्ड जो केस है वो क्या है कि व्हेन बैटरी इज when there is no current in the kya hoga in the battery. to jab current koi flow nahi hoga ye emf hua aur idhar kya hai current jo hai wo kya hai zero maine maan liya. to yahan jo hoga yahi kya hoga and a and this is and b तो वी ए बी आई मीन वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या होगा. तो जब क्या होगा कोई भी करंट आई मीन व्हेन द बैट सर्किट इज ओपन है ना तो क्या होगा टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ द बैटरी दोनों क्या होता है इक्वल होता है. क्या होता है दोनों जो होगा वो क्या होगा इक्वल होगा. ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड टर्मिनल वोल्टेज बोथ आर क्या होता है सेम. तो ये चीज कई बार पूछा गया है कि टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा EMF ऑफ द बैटरी से ज़्यादा होगा कम होगा या इक्वल होगा. तो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा सिचुएशन. कुछ भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है और उसके क्या हो सकता है इक्वल हो सकता है. इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे बाद में अभी सीरीज और पैरेलल बाद में पढ़ते हैं. पहले हम पढ़ेंगे कि पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स. देखो क्या होगा पावर डिसिपेशन इन क्या होगा रेसिस्टर्स. ठीक है यहां देखो एक रेजिस्टर है रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस क्या आ रहा है इसके थ्रू करंट आई फ्लो हो रहा है और इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने क्या मान लिया VR मान लिया. ठीक है अब जो पावर डिसिपेशन होता है PD इज इक्वल टू क्या होगा पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स इज इक्वल टू क्या होगा आई स्क्वायर आर वी आर इंटू आई इज इक्वल टू क्या होगा वी आर स्क्वायर अपॉन क्या होगा ये ध्यान देना है. ठीक है पावर डिसिपेशन जो होगा क्या होगा ये करंट इन द रेजिस्टर्स आर क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स. यहाँ क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स. वी आर क्या है पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर्स.
आई क्या है, करंट इन द रेजिस्टर। तो पावर डिसिपेशन जो होगा वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, आई पे भी डिपेंड करेगा, आर पे भी डिपेंड करेगा और वी आर पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ क्या हुआ, पावर डिसिपेशन जो होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों फार्मूला में से कोई भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें पूछा जाएगा पावर सप्लाई बाय द बैटरी, पावर क्या होगा, सप्लाई बाय द बैटरी, ठीक है। तो बैटरी के द्वारा जो पावर सप्लाई होता है, जैसे देखो यही क्या है, बैटरी है, ऐसे एक सर्किट मैंने सिंपल ड्रॉ कर लिया, इसका ईएमएफ ई दिया हुआ है, यहां से करंट क्या आई फ्लो हो रहा है। तो सिंपल क्या होगा, पावर सप्लाई, सप्लाई इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, आई मीन ई इंटू क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड प्रोडक्ट ऑफ ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड करंट सप्लाई बाय द बैटरी। क्या होता है, पावर सप्लाई इज इक्वल टू ई इंटू आई, ई क्या है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, आई क्या है, करंट सप्लाई बाय द बैटरी, क्या है, पावर सप्लाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू आई, ई क्या है, करंट सप्लाई, ई क्या है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, आई क्या है, करंट सप्लाई बाय द बैटरी। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखो ये दो चीजें तुमसे, उसके बाद एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। इससे भी क्या है, क्वेश्चंस पूछा जाता है। आई मीन देखो क्या है, एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर दिया हुआ है, इस बैटरी का ईएमएफ ई दिया हुआ है, और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आरएल भी बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं हम इसको, लोड, ठीक है, से हमने कनेक्ट कर दिया। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड कैपिटल आर एल सो दैट द पावर ट्रांसफर बाय द बैटरी टू द लोड विल बी मैक्सिमम। अब देखो यहां से यदि ये बैटरी है तो ऑफकोर्स क्या होगा, यहां से करंट सर्किट कंप्लीट है तो करंट क्या होगा, ये आई करंट फ्लो होगा आई। अब यहां जब आई कैलकुलेट करोगे तो देखो आई इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट आप बता सकते हो आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई आर प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अब पावर डिसिपेशन यदि लिखें तो देखो तो पीडी पावर डिसिपेशन इन लोड रेजिस्टर आर एल क्या होगा, देखो तो पी इज इक्वल टू सिंपल क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर एल, यही होगा क्या, आई स्क्वायर क्या होगा, आर एल, यही होगा ना। तो देखो तो पी इज इक्वल टू आई क्या वैल्यू रखो यहां से हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर अपॉन क्या होगा आर एल प्लस आर द होल स्क्वायर इंटू क्या होगा आर। अब देखो ये क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता है। अब देखो ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऑलवेज फिक्स होगा यार, तो ये पावर डिसिपेशन जो है कितना होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके लोड रेजिस्टेंस पे। अब लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए कि पावर इसमें डिसिपेशन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आई मीन व्हाट शुड बी द रिलेशन अमोंग स्मॉल आर एंड कैपिटल आर एल सो दैट द पावर डिसिपेशन इन द लोड रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए तो देखो यहां डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, पी हुआ, और इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, आर एल। तो हम क्या लिखेंगे यहां, हम लिखेंगे क्या होगा, डीपी अपॉन क्या लिखेंगे, डी आर एल, आर भी लिखोगे तो चलेगा। अब देखो ये तो कांस्टेंट है यार, तो कांस्टेंट को हमने क्या किया बार, उसके बाद हमने लिखा डी ऑफ आर एल अपॉन आर एल प्लस स्मॉल आर द होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी आर एल, ठीक है।
अब इसको जब आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो फिर आपको एक रिलेशन मिलेगा। देखो यहाँ से तो आप लिख सकते हैं dp अपॉन क्या लिख सकते हैं drl इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं e स्क्वायर। देखो u अपॉन v रूल यूज करोगे तो हम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ rl प्लस r द होल स्क्वायर, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस, क्या होगा माइनस डी डी आर एल, चलो डायरेक्ट नहीं लिख देता हूं, माइनस क्या होगा आर एल डी ऑफ आर एल प्लस आर द होल स्क्वायर डी आर एल डिवाइडेड बाई क्या होगा आर एल प्लस आर के पावर क्या हो जाएगा, यही होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो ई स्क्वायर अपॉन आर एल प्लस आर रेज टू फोर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आर एल का, आर एल के रिस्पेक्ट में कितना होगा वन होगा, तो ये कितना हो जाएगा आर एल प्लस आर द होल स्क्वायर माइनस, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो देखो टू आर एल इंटू क्या हो जाएगा आर प्लस आर, ठीक है। अब शायद इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ई स्क्वायर अपॉन क्या होगा आर एल प्लस आर द होल क्यूब, क्योंकि आर एल प्लस आर क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या लिख सकते हैं देखो आर एल प्लस आर माइनस क्या हो जाएगा टू आर एल, यही होगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर एल प्लस आर द होल स्क्वायर इन टू आर एल माइनस क्या होगा। अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, है ना। हम लिख सकते हैं कि फॉर पी मैक्स, डायरेक्ट लिखेंगे पी मैक्स क्या होगा डी पी अपॉन डी आर एल क्या होगा जीरो होगा, तो आर एल इज इक्वल टू क्या होगा आर एल, ठीक है। तो एक कंडीशन होगा कि कई बार जी में पूछा भी गया है आपको यदि कॉन्सेप्ट मालूम, तो क्या होगा यहां याद रखना है कि पावर ट्रांसफर बाई द बैटरी टू द लोड विल बी मैक्सिमम इफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी मस्ट बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस, क्या होगा पावर सप्लाई बाय द या पावर ट्रांसफर बाय द क्या होगा बैटरी टू द लोड विल बी मैक्सिमम इफ लोड रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इसी को हम क्या बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि यहां से क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, ये क्या हुआ कंडीशन है ना, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्या होगा अकॉर्डिंग टू पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, या ऐसे लिख सकते हैं कि पावर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पावर ट्रांसफर ट्रांसफर टू द लोड विल बी मैक्सिमम इफ आर एल विल बी क्या होगा स्मॉल आर, सिंपल ए याद रखना है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अब पी मैक्स कितना होगा, कभी कभी इसका ग्राफ भी पूछा हुआ है ना, फिर ग्राफ भी हम ड्रॉ करते हैं, तो देखो तो यहां पी मैक्स कितना होगा, पी मैक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो ई स्क्वायर अपॉन क्या है आर एल प्लस आर द होल स्क्वायर इंटू आर एल। अब आर एल की जगह हम क्या रखेंगे स्मॉल आर रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा ई स्क्वायर अपॉन क्या होगा फोर आर, दिस इज नथिंग बट द पी मैक्स। कभी अब इसका ग्राफ भी पूछा गया है कि पावर, देखो यहां आपसे ए पी और इधर आर एल वर्सेस ग्राफ पूछा गया, तो कुछ ऐसे क्या होता है इसका ग्राफ ऐसे, यही क्या होता है R इक्वल टू आर एल, आर एल इक्वल टू आर सॉरी आर एल इक्वल टू आर पे जो होता है वो पावर जो होता है वो क्या होता है मैक्स होता है। तो ये कभी कभी क्या है ग्राफ भी पूछा गया है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं P वर्सेस क्या होगा आर एल ग्राफ।
तो इसको हम बोलते हैं क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, कि पावर ट्रांसफर बाय द क्या होगा, बैटरी टू द लोड विल बी मैक्सिमम इफ लोड रेजिस्टेंस विल बी क्या होगा, इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा, शेल। आगे हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ शेल। यहां हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा, शेल्स या सेल्स है ना, और हम पढ़ेंगे बैटरी। तो देखो इसमें भी तीन कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और क्या होगा, मिक्स कॉम्बिनेशन। क्या होगा तो यहाँ क्या होगा, कॉम्बिनेशन जो होगा उसमें क्या होंगे, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, और तीसरा जो होगा वो क्या होगा जिसको हम बोलते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या होगा मिक्स कॉम्बिनेशन। अब तो वन बाय वन क्या करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपको डायरेक्ट रिजल्ट मालूम होता है तो प्रॉब्लम आसान होता है सॉल्व करना। तो पहले हम क्या देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या देखेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है, तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ क्या है, देखो क्या ध्यान से, एन नंबर ऑफ मैन सेल कंसीडर कर लेता हूं, ये इसका ईएमएफ क्या है, ई1 ए आर1 ई2 आर2। ठीक है, और डैश 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 हमने क्या मान लिया, ईएन और क्या है ईएन और आरएन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यदि इनको क्या करेंगे, एक सिंगल शेल से हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। देखो तो सीरीज में सभी क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। देखो E1, E2, E3 एंड डैश डैश EN, ये क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा शेल। तो जस्ट लाइक रजिस्टर हम क्या करेंगे, इनको एक इक्वेलेंट बैटरी से हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। देखो एक इक्वेलेंट बैटरी होगा, एक इक्वेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो इसका ई एस मैं लिख रहा हूँ और ये क्या हुआ आर एस, सीरीज इक्वेलेंट रेजिस्टेंस, ये पॉइंट ए हुआ और ये क्या हुआ, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट। तो सीरीज देखो हमने क्या किया, इसके इक्वेलेंट हमने क्या किया, एक सर्किट ड्रॉ कर दिया, इसके जगह हमने क्या लिखा, ये लिखा। अब आप बोलो कि ये कितना होगा, तो अब ये कैसे आएगा, तो आप खुद से भी प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग क्या होगा किरचॉफ्स लॉ से आप खुद भी क्या कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो। करंट क्या करो, करंट कंसीडर कर लो, और करंट कंसीडर करके आसानी से क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब बोलो कि इसको प्रूव करना है, तो हम प्रूव कैसे करें, तो बहुत ही सिंपल है, साथ चलो बता देता हूँ, है ना, तुम भी क्या याद रखोगे, ये पॉइंट ए हुआ और ये पॉइंट बी हुआ। अभी मैंने मान लिया कि ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, और हमने करंट हमने क्या माना, आई माना, क्या माना हमने, करंट क्या मान लिया, आई मान लिया। अब मैं मेंशन कर रहा हूँ, देखो इस पॉइंट को मैंने पी मान लिया, और इसको क्या मान लिया, क्यू मान लिया, बस दो मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ यदि लिखोगे, नहीं यहाँ क्या होगा, पी यहाँ क्यू यहाँ आर है ना, यह सबसे आसान क्या है, ये लूप कंसीडर कर लो, और इधर मैं बताता हूँ इसको, देखो कैसे हम सोचेंगे, आसानी से आ जाएगा। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें रटना नहीं है,
देखो इधर हमने क्या किया, इसको कंप्लीट एक करंट फ्लो हो रहा होगा यार, है ना, तभी तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा ना, ऐसे हमने मान लिया ऐसे करंट फ्लो। चलो अब हम क्या करें, लूप लॉ वाला यूज कर दे यार, सबसे आसान है। इधर करंट ए क्या है, ई वन आर वन, ई टू आर टू, ई एन, और ये क्या हुआ आर। करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। करंट के डायरेक्शन में हम जाएंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, तो हम कैसे इसको सोचेंगे ये मैं बता देता हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे, अब आप देखो लूप लॉ कंसीडर करोगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेते हैं, निगेटिव। और देखो लो टू हाई जा रहे हैं तो बैटरी को क्रॉस करने वक्त लो टर्मिनल टू हाई टर्मिनल तो पॉजिटिव लेंगे, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ई वन प्लस क्या होगा ई टू, प्लस क्या हो जाएगा ई थ्री, प्लस 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 क्या हो जाएगा ई एन, माइनस आई इंटू क्या लिखेंगे आर वन प्लस आर टू, प्लस क्या हो जाएगा आर थ्री, प्लस प्लस आर एन, ठीक है, यही हो जाएगा। और यहाँ से देखो आई इज इक्वल टू लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई वन प्लस क्या हो जाएगा ई टू प्लस ई थ्री, प्लस प्लस क्या हो जाएगा ई एन अपॉन क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, प्लस क्या हो जाएगा आर थ्री, प्लस प्लस क्या हो जाएगा आर एन। और इसको लिख सकते हैं देखो ई एस अपॉन क्या लिख सकते हैं आर एस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ई एस इक्वल टू क्या होगा, अब देखो ध्यान से, जब अब बैटरी को हम जब ऐड करेंगे तो पोलरिटी को क्या करना है, ध्यान रखना है, क्या करना है, पोलरिटी को ध्यान रखना है। देखो मैं बताता हूँ, इसमें कन्फ्यूजन भी होता है। तो यहाँ क्या हो गया, सीरीज इक्वेलेंट ई एम एफ ऑफ द बैटरी क्या हो गया, सम ऑफ ई एम एफ ऑफ ऑल द बैटरी विथ प्रॉपर पोलरिटी या विथ प्रॉपर साइन एंड सीरीज इक्वेलेंट, सॉरी आर एस, तो आपको मालूम ही है कि सीरीज इक्वेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये तो आपको मालूम ही है। तो देखो यहाँ ई एस इक्वल टू क्या हुआ ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, प्लस 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 क्या हो जाएगा ई एन, और आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, प्लस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ यदि लिखें कि इफ, एक केस भी हम लिख सकते हैं कि इफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल बैटरी क्या होगा, सेम भी हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं नोट में कि इफ ई वन इक्वल टू ई टू इक्वल टू ई थ्री डैश डैश इक्वल टू ई एन इक्वल टू क्या होगा ई एंड आर वन इक्वल टू आर टू डैश डैश इक्वल टू आर एन इक्वल टू क्या होगा आर, देन क्या होगा ई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन इंटू क्या होगा एन इंटू ई, और आर एस इज इक्वल टू क्या होगा एन इंटू क्या हो जाएगा आर, ठीक है, क्या हो जाएगा ई एस इक्वल टू कितना हो जाएगा एन इंटू ई, और आर एस इक्वल टू क्या होगा एन इंटू। तो जब इस केस में जब बैटरी का जो EMF और इक्वेलेंट बैटरी जब दिखाओगे तो ये क्या हो जाएगा ES और ये क्या हो जाएगा RS। तो ऐसे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो व्हेन बैटरी आर कनेक्टेड इन क्या होगा सीरीज, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो कि एक और क्वेश्चन, ये फर्स्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट देखो ये पूछा जाता है कि यदि हम एक सिंपल, मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ फिर हम आते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट पे। जैसे मान लो कि क्या है, पांच बैटरी है ना, क्या है पांच बैटरी है जिनका ईएमएफ क्या है इक्वल है, जिसमें दो की पोलरिटी क्या है रिवर्स है। जैसे देखो एक एग्जांपल, देखो अच्छा एग्जांपल है कि यहाँ मान लो कि हमने क्या किया, चलो तीन कंसिडर कर लेते हैं, पांच है जिसमें तीन, चलो तीन तीन कंसीडर करते हैं और एक का पोलरिटी जो है वो क्या करते हैं हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, ए ई आर ई आर फिर ई और ये क्या होगा, यही होगा ना, देखो ध्यान से यही होगा ना। हमने क्या किया, तीन बैटरीज हैं जिसमें एक का, क्वेश्चन पूछा जाए कि देर आर एन नंबर ऑफ बैटरीज आउट ऑफ विच द पोलरिटी ऑफ एम बैटरी विल बी क्या होगा रिवर्स, देन व्हाट इज द इक्वेलेंट ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ये पूछा जाएगा आपसे,
और इंटरनल रेजिस्टेंस तो वही होगा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो पोलैरिटी से इनडिपेंडेंट होता है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ, ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे बता सकते हो आप? अगेन अभी बताया कि यदि तुमको ऐसा लग रहा है तो तुम क्या करो, इसको क्या करो, एक करंट अपने से कंसीडर कर लो यार, सिंपल है। क्या है, नहीं हो तो इनके बीच एक रेजिस्टेंस कनेक्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। चलो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर लें ऐसे, मैंने मान लिया यार अपने से, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, आर है, कि इसका और इसका पोटेंशियल सेम नहीं होगा इसलिए हमने मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, एक करंट हम कंसीडर कर लें ऐसे, या ऐसे भी हम क्या कर सकते, हाँ क्या है आई, या हमने आई मान लिया, आई करंट मान लिया। अब मुझे ईएमएफ लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे बता सकते हो? देखो ध्यान से, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ शायद, अगेन लूप लॉ आप यूज करो। तो यहाँ जब लिखोगे क्या, लूप लॉ यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ई प्लस ई, ध्यान देना, माइनस ई, है ना, क्या है माइनस ई, माइनस आई इंटू क्या हुआ आर वन प्लस, आई मीन आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर इक्वल टू जीरो, यही होगा क्या, है ना, यही होगा ना। तो अब देखो यहां क्या आया, कितना आया देखो यहां से, आई मीन आई इज इक्वल टू क्या हुआ ए ई, और ई कैंसिल हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, टू ई माइनस ई डिवाइडेड बाई क्या होगा थ्री आर प्लस क्या लिखेंगे हम, आर लिखेंगे। कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ अभी, ए कितना हुआ ई अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा आर प्लस क्या हो गया, आई मीन थ्री आर प्लस क्या होगा आर। यहाँ जो इक्वेलेंट बैटरी कितना होगा, ई हो जाएगा, सिंपल है ना। ये थोड़ा सा यहाँ, चलो हम थोड़ा सा और, क्योंकि यहाँ अपने को स्टैंडर्ड जो रिजल्ट, अब हम क्या करते हैं फाइव कंसीडर कर लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से अपने को कुछ नहीं मिला, ज़्यादा नहीं मिला, ये तो आसान है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ, फाइव कंसीडर कर रहे हैं जिसमें टू का पोलैरिटी हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो सेकंड एग्जांपल देखो, फिर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट। ए आर अगेन ई ई आर ई आर ई आर और ई, देखो कितने बैटरीज हैं, फाइव बैटरीज हैं जिनका ईएमएफ क्या है, सेम दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है। फाइव में से कितने का पोलैरिटी रिवर्स किया गया है, टू का, कितने का रिवर्स किया गया है, टू का। तो मुझे यहाँ इक्वेलेंट बताना है, तो देखो ए पॉइंट क्या हुआ, ये दूसरा पॉइंट क्या हुआ, तो इक्वेलेंट बैटरी जब आप लिखोगे तो कितना होगा आप बता सकते हो यहां से? इसको हम कैसे जनरल रिजल्ट में हम लिखें तो कैसे लिखेंगे बताओ? कि यहां देखो, यदि आप देख रहे हो कि यहां भी क्या होगा, कितना कितना होगा थ्री, और कितना हुआ टोटल नंबर ऑफ बैटरी कंसीडर कर लो, कितना हुआ फाइव, है ना, और फाइव माइनस क्या हुआ, जितने का हमने क्या है पोलैरिटी क्या है रिवर्स किया है, तो फाइव और पोलैरिटी, देखो अब ऐसे मिस्टेक होगा, देखो क्या है, यदि मैं फाइव लिखूं यहाँ, यहाँ भी हम सोच सकते थे कि हमने क्या मान लिया है, कितने यहाँ है थ्री ईएमएफ है, तो नंबर ऑफ ईएमएफ कितने हुए, आई मीन एन थ्री हो गया, तो देखो तो ऐसे सोचें एन आई मीन थ्री इंटू क्या होगा थ्री, है ना, माइनस कितने का हमने रिवर्स किया है, एक का, एक ही रिवर्स किया है ना यार, तो थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू ई लिख दें क्या, आई मीन जितना हम रिवर्स कर रहे हैं उसके टू से मल्टीप्लाई करके मुझे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एक जनरल रिजल्ट होगा ये। अभी आप देखो, अब यहां भी देखो थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा, वन आ जाएगा। यहां भी आप ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, यहां नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, सेल्स इज इक्वल टू कितना है फाइव, है ना, ठीक है, आई मीन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल क्या है एन,
इक्वल टू 5। उसके बाद हमने क्या लिखा कि नंबर ऑफ सेल्स व्हिच पोलैरिटी इज क्या होगा, पोलैरिटी इज रिवर्स। रिवर्स कितने हुए, कितने का, 2 का। तो यहां जो नेट ईएमएफ आपको मिल रहा है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बताओ, यहां से कितना मिल रहा है, यहां भी कितना आ रहा है, कितना ई आ रहा है, ई आएगा ना यार, देखो यहां ध्यान से 3-2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मैं यहां से अब एक रिजल्ट लिखूंगा। अब देखो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, 5 × 1 − 2 × 2, तो 5 − 4 × e क्या हो जाएगा, e हो जाएगा क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये ट्रिक के लिए 5, ये डायरेक्ट पूछा जाता है 5 − 2 × क्या होगा 2, ठीक है, इंटू क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मैं एक नोट में रिजल्ट लिखूंगा कि देयर आर n सेल्स हैविंग इक्वल ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज आउट ऑफ विच द पोलैरिटी ऑफ n सेल्स आर रिवर्स्ड, देन इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द बैटरी विल बी n − 2 × m × क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से ऐसे आया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि नोट में लिखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में क्या लिखेंगे हम, इफ देयर आर n सेल्स ऑफ इक्वल ईएमएफ इच इक्वल टू ई आर कनेक्टेड इन सीरीज इन सच ए वे दैट द पोलैरिटी ऑफ एम सेल्स आर रिवर्स, देन नेट ईएमएफ ऑफ द बैटरी क्या होगा, देन नेट ईएमएफ ऑफ द शेल विल बी इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू n माइनस क्या होगा 2m। आप डायरेक्ट रिजल्ट रखना, इसमें वैल्यू रखोगे डायरेक्ट क्या होगा आंसर आएगा। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये कई बार पूछा हुआ है, तो इसलिए क्या है ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। m क्या है, नंबर ऑफ सेल्स व्हिच पोलैरिटी इज रिवर्स्ड, n क्या है, नंबर ऑफ टोटल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। इसके बाद जो कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो सेकंड जो है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा, बैटरी। यहां देखो क्या है, उसके बाद थर्ड जो है मिक्स कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखोगे, ये भी बहुत सर्किट प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो देखो। अभी मैं यहां क्या कर रहा हूं, 3 बैटरी कंसीडर कर रहा हूं, ज्यादा बाद में हम लिख लेंगे जनरल रिजल्ट, ए ए है और एक है बी है। इसका ईएमएफ क्या है, E1 R1 E2 और एक क्या है R2 E3 और एक है R3, ठीक है। मुझे क्या करना है, देखो ये बैटरी क्या है, सभी बैटरी क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, क्या है, पैरेलल में क्या है, कनेक्टेड है। अब मुझे क्या करना है कि इनको एक इक्विवेलेंट बैटरी से हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, जिसका ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, ईपी होगा, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आरपी होगा। आरपी तो आपको मालूम ही है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक, क्या हुआ, इक्विवेलेंट बैटरी, इक्विवेलेंट सेल,
ठीक है, जिसका ई एम एफ क्या हो गया ईपी और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया आरपी हो गया। अब ये पूछा जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट बैटरी का जो रिजल्ट होता है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो तुम लोगों को होमवर्क दे दूं क्या? मैं ऐसे भी होमवर्क तो कंप्लीट करते नहीं हो, तो होमवर्क बोल दूं क्या है, ट्राई कर सकते हो तुम लोग। ये एचसी वर्मा में भी क्वेश्चन है, या E1 E2 E3 यहाँ से तुमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने एचसी वर्मा का क्वेश्चन भी होगा, तो ये पूछा जाए किसी में इसमें इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आप बताइए, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको हम कैसे सोचेंगे बता सकते हो आप लोग, कि मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूं? डायरेक्ट रिजल्ट भी मैं लिख सकता हूं, और कैसे सोचो, चलो होमवर्क देता हूं, डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूं, है ना, ज़्यादा आसान रहेगा, कुछ अलग भी पॉइंट हम पढ़ लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा कि हम क्या करें, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख लें, और होमवर्क जो है, होमवर्क है तुम लोग खुद से किरचॉफ्स लॉ से क्या करना, ट्राई करना इसको, कुछ नहीं है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इधर से क्या करो, एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक है, यहाँ से करंट मान लो, और फिर क्या करो आप, किरचॉफ्स लॉ यूज करोगे तो आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है तो यहाँ देखो ईपी इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये ध्यान दो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 इनटू क्या लिखते हैं RP, सिंपल। अब पोलैरिटी विद प्रॉपर साइन हमेशा याद रखना है कि जब E1 E2 का वैल्यू रखेंगे तो प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे, ये नहीं है, देखो इधर क्या है, सबका पोलैरिटी एक तरफ है इसलिए हमने प्लस ले लिया, यदि हम किसी का पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। वेयर क्या हो जाएगा, आरपी क्या होगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R3, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब इसके बाद यदि n नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, n नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो क्या करेंगे, यहाँ इवन n नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो फॉर n सेल्स लिख देते हैं, यहाँ फॉर n सेल्स क्या होगा, ईपी इज इक्वल टू क्या होगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस प्लस EN अपॉन क्या होगा RN इनटू क्या हो जाएगा RP, एंड 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस प्लस 1 अपॉन RN, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हुआ RN, क्या हो गया 1 अपॉन। अब यदि दो सेल के लिए आप याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दो सेल दिए हुए हों तो उसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि दो सेल के लिए जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन एचसी वर्मा पढ़ोगे तो प्रूफ भी करने के लिए दिया हुआ। तो इफ क्या होगा, इफ टू सेल्स, फॉर क्या होगा, फॉर टू सेल्स, देखो क्या होगा ईपी, क्या मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ये देखो R1 E1 ये R2 E2 ठीक है A एंड दिस इज क्या हो गया B, तो यहाँ यदि मुझे लिखना है ईपी इक्वल टू क्या लिखेंगे E1 R2 प्लस क्या होगा E2 R1 डिवाइडेड बाई क्या होगा R1 प्लस R2, डायरेक्ट उसको सिंप्लीफाई करोगे आएगा, और RP इज इक्वल टू क्या होगा R1 R2 अपॉन क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। अब देखो इसमें जो क्या होगा, पोलैरिटी जब रिवर्स होगा तो क्या होगा, ये भी आप देख लो, है ना, कि एक का यदि हम पोलैरिटी, जितने का पोलैरिटी रिवर्स है उसको क्या करना है, लिखना है E1 E2 को हमको क्या करना है, प्रॉपर साइन के साथ क्या है रखना है, प्रॉपर साइन के साथ क्या रखना है, प्लेस द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 विथ प्रॉपर साइन। अब यदि इसी एग्जाम्पल में देखो ऐसे दिया हुआ हो, हाँ यहाँ एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, इफ क्या होगा, इफ E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा E3 डैश 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 इक्वल टू क्या होगा EN, एंड R1 इक्वल टू R2 डैश डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा RN इक्वल टू R, देन देखो क्या हो जाएगा EP इज इक्वल टू क्या होगा, बता सकते हो,
सेमी होगा, याद रखना है इसको, तुम वैल्यू रख करके चेक करो। अब देखो मैं बताता हूँ, E1 E2 सब सेम है, R1 R2 सेम है, यही देखो, तो ये कितना हो जाएगा 2E R अपॉन क्या होगा 2R, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इफ EMF इफ सेल्स ऑफ इक्वल EMF एंड इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट EMF ऑफ द बैटरी विल बी इक्वल टू क्या होगा EMF ऑफ द एनी सेल एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू क्या होगा R/N, हमेशा याद रखना। यदि यहां हम क्या लिखेंगे आर ई, यहां भी क्या है डैश 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 हमने लिख दिया ए आर ई, ठीक है, ई डैश डैश एन नंबर ऑफ सेल्स है, तो इसको जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे एन से, यहां क्या हो जाएगा R/N और इसका EMF जो होगा क्या होगा EMF जो होगा वो क्या होगा सेम ही रहेगा। तो EMF यदि बैटरी का EMF क्या होगा सेम हो और हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो उनका क्या होता है इक्विवेलेंट जो EMF होता है वो क्या होता है किसी भी इंडिविजुअल सेल के बैटरी के क्या होता है EMF के क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, बस आज के क्लास में इतना ही, इसके नेक्स्ट क्लास में हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिक्स कॉम्बिनेशन, उससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू नितिन, इधर देख लेना पहले।